हेलो एवरीवन, हम अभिषेक प्रोडक्ट से हैं, इसके ग्राफिक्स, और हम हैदराबाद से हैं। और आज हम बात करने वाले हैं क्रीजिंग मशीन के बारे में। ये एक 18 इंचेस का मैनुअल क्रीजिंग मशीन है, जिसमें पेपर अपनी पोजीशन में लॉक करने के लिए इसके पास हमने मैग्नेट दिया है और एक स्टिकर की स्केल दी है। और जैसे आप देख सकते हैं कि इसके पास एक मैनुअल फुल लेंथ का हैंडल है। तो पहले बात करते हैं कि ये जो मैनुअल क्रीजिंग मशीन है, ये कितने साइज तक का पेपर हैंडल कर सकती है। अभी आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो मशीन है, ये 18 इंच तक का पेपर हैंडल कर सकती है। लेट अस बी स्पेसिफिक, 18.5 इंचेस का जो पेपर होता है, वो उसकी मैनुअल क्रीजिंग आसानी से कर सकती है। तो इसमें मैं आपको एक बता देता हूँ कि पेपर कैसे क्रीजिंग किया जाएगा। क्योंकि ये मैनुअल क्रीजिंग मशीन है, इसको पूरा हैंड से ऑपरेट करना है। एंड बिकॉज इस ये हैंड से ऑपरेट हो रही है, तो जो आप लेज़र प्रिंटर से इसको प्रिंट करते हैं, लेज़र प्रिंटर से प्रिंट करने पे इसका जो क्रीजिंग होगी, वो उसका जो टोनर, जो लाइन जहाँ प्रिंट हुआ हुआ है, वो टोनर टूटेगा नहीं। कई बार जब आप इलेक्ट्रॉनिक या हाइड्रोलिक मशीन से क्रीजिंग कर रहे होते हैं, तो उससे जो क्रीजिंग होती है उसके उसमें वहाँ उस लोकेशन या उस पॉइंट पे टोनर जहाँ से प्रिंटेड है, जहाँ पर भी डिजिटल प्रिंटिंग है, वो प्रिंटिंग वहाँ से कट जाती है, क्रॉस हो जाती है, या फिर वहाँ से टोनर ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। पर क्योंकि ये मैनुअल मशीन है और इसमें हमने एक पूरी तरह से एक मेटल प्रेसिंग से ये हो रही है पूरी मशीन, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो टोनर है कटता नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही नेचुरल प्रेसिंग है और एक बहुत ही फर्म और सॉफ्ट प्रेसिंग है। उससे आपका टोनर जो है ख़राब नहीं होता, टोनर की जो प्रिंट होती है वो उखड़ती नहीं है, ख़राब नहीं होती, और पेपर की क्रीजिंग एकदम फिनिशिंग हो जाती है। ये जो पेपर है, ये 300 GSM का पेपर है। जनरली आप इसे विजिटिंग कार्ड में यूज़ करते हैं, कैटलॉग और ब्राउजर्स में भी ये पेपर यूज़ होता है, आप उसको भी आसानी से प्रेसिंग कर सकते हैं। अभी हम आपको बता देते हैं कि एक नॉर्मल 80 GSM का पेपर या 100 GSM का पेपर इसमें किस तरह से प्रेसिंग होगा। यहाँ पे मैग्नेट दिया गया है, अलग अलग साइज़ और अलग अलग सेटिंग के हिसाब से इस मैग्नेट की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, ताकि पेपर की अलाइनमेंट परफेक्ट रहे। और 70 GSM और 100 GSM में बहुत ही आसानी से इसमें क्रीजिंग हो जाती है, बिकॉज पेपर पतला है, बहुत ही डार्क क्रीजिंग आ जाती है। और पेपर की, क्योंकि डार्क क्रीजिंग होती है, तो उससे आप पेपर को आसानी से फोल्ड कर सकते हैं। और बस ये एक बेसिक आइडिया है देने के लिए कि ये एक क्रीजिंग मशीन क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, और इसके बारे में एक बेसिक आइडिया आपको आ गया होगा इस वीडियो को देख के। साथ ही साथ इस मैग्नेट के बारे में बात कर देते हैं। ये एक थोड़ा एक हैवी गेज का एक मैग्नेट है, जो काफ़ी वज़न है इसमें। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए 60 cm का हमें क्रीजिंग करना हो, ये रहा 60 cm या 6 cm या फिर 60 mm, हम इसे इस लोकेशन पे लाके स्टॉप कर देंगे 6 cm पे। और पेपर का अलाइनमेंट मान लीजिए हमें इस तरफ देना हो, पेपर का अलाइनमेंट इस तरफ से हमें देना हो, या फिर इसे निकाल के आप पूरा अलाइनमेंट इसी लोकेशन पे एक जगह पर रखना चाहते हैं, तो इन दोनों मैग्नेट की मदद से आप पेपर का अलाइनमेंट परफेक्टली मैच कर सकते हैं। और फिर जो भी पेपर है, या फिर जो भी 300 GSM का पेपर हो, 100 GSM का पेपर हो, या ग्लॉजी पेपर, मैट पेपर, फोटो पेपर, या फिर मान लीजिए आप ऑफसेट का यूज़ कर रहे हैं, तो भी आप इस मशीन में इसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि इस मशीन में आपका बेनिफिट ये है कि अगर आपका एक नया बिज़नेस है, तो उस नए बिज़नेस के लिए ये मशीन परफेक्ट है, क्योंकि आपको ये क्वालिटी भी दे रही है, हैवी ड्यूटी भी है, और टाइम टू टाइम आप इससे बल्क प्रोडक्शन भी निकाल सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है, अगर आपका एक वेल एस्टैब्लिश बिज़नेस है और आप ऑलरेडी एक सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक क्रीजिंग मशीन यूज़ कर रहे हो, बट आपके जो पुराने कस्टमर्स हैं या फिर जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, उनकी एक छोटी मोटी डिमांड कई बार आती रहती है, या फिर सैम्पलिंग के लिए डिमांड आती रहती है, ब्राउचर्स की, कैटलॉग्स की, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी के बैनर्स की, तो उस केस में आप अपनी सेमी ऑटोमेटिक मशीन या फिर ऑटोमेटिक मशीन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हज़ारों की जो क्वांटिटी है या बल्क ऑर्डर है, वो ऑलरेडी चल रहा है उसके अंदर।
तो इस मशीन का बेनिफिट क्या है कि आपके लिए ये मशीन जो है सैम्पलिंग करने के लिए, कोई छोटे ऑर्डर्स करने के लिए, या फिर जो रिटेल काम है उसको करने के लिए, या फिर वो जो आपकी बड़ी मशीन जब चल रही हो तो उसको डिस्टर्ब ना करते हुए छोटे ऑर्डर्स इस मशीन में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है तो भी ये मशीन आपके लिए परफेक्ट है, और अगर आपका एक नया बिज़नेस है और आप बड़ी इलेक्ट्रॉनिक या हाइड्रोलिक मशीन्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे तो भी ये मशीन आपके वर्क के हिसाब से परफेक्ट रहेगी। और इस मशीन के बारे में जानकारी के लिए या फिर हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे यहाँ नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। आप हमें अगर इस मशीन के बारे में आप हमें बात करना चाहते हैं या इसकी प्राइसिंग के बारे में, डिलीवरी के बारे में बात करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें इस मशीन के बारे में आप टेक्स्ट कर दीजिए, रेट की डिमांड कर लीजिए, हम लोग वहाँ से आपको व्हाट्सएप पे पूरी डिटेल फॉरवर्ड कर देंगे। इस मशीन का नाम है 18 इंच रेड क्रीजिंग मशीन। 18 इंच इसलिए क्योंकि इसके अंदर 18 इंचेस का पेपर सप्लाई हो जाता है, क्रीजिंग क्योंकि ये ऑलरेडी पेपर फोल्ड करती है और ये मैनुअल मशीन है, तो 18 इंच रेड क्रीजिंग मैनुअल मशीन नाम से आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए टेक्स्ट, और हम लोग वहाँ से आपको इस मशीन की पूरी होम डिलीवरी या फिर पार्सल सर्विस के बारे में पूरा आपको डिटेल दे देंगे। हमारे शॉप का नाम है अभिषेक प्रोडक्ट्स बाय एसके ग्राफिक्स, और हम लोग सिकंदराबाद में एस्टैब्लिश्ड हैं।